वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड डेडलाइन वीडियो। आज ना ही लाइट्स हैं और ना ही माइक। एक्चुअली मैं अपनी बहन की शादी में था, पर इतना सब ड्रामा मुझे तो कवर करना ही था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू इट। इस ट्रेड डेडलाइन वीडियो में पहले तो हम ट्रेड्स के विनर्स और लूजर्स डिस्कस करेंगे और सारे ट्रेड्स देखेंगे जो कि हुए हैं कल डेडलाइन में। सबसे बड़ी न्यूज़, केविन डोरेंट इज इन सन्स। इस न्यूज़ को सुनने के बाद शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हिल ना गया। वेल नेट्स को मिले कैम जॉनसन और माइकल ब्रिजेस, और ये काफ़ी दो अच्छे यंग प्लेयर्स हैं। और सन्स कैम जॉनसन को ट्रेड भी नहीं करना चाहती थी, जैसा कि हम लोग को पहले पता चला था। इसके अलावा 4 फर्स्ट राउंड पिक्स, और सन्स की टीम को मिले केविन डोरेंट और टीजे वॉन। वेल इस ट्रेड से पहले सन्स के ऑड्स थे चैंपियनशिप जीतने के 4000, और अब है 550। सिर्फ इनके ऊपर सेल्टिक्स हैं, और वेस्ट इस ट्रेड के बाद शायद हिल सा चुका होगा। केविन डोरेंट, CP3, बुकर, एटन, इट्स ऑल लोडेड मैन, इट्स ऑल लोडेड। शायद अब बुकर और लूका का मैचअप देखने में और मजा आएगी। लूका और बुकर का मैचअप देखने में अब और मजा आएगा, बिकॉज कायरी इज नाउ इन मैप्स। और कायरी के एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले उन्होंने मैप्स से लिया पेनी स्मिथ, डिन विडल, 29 की फर्स्ट राउंड पिक और 29 और 27 की सेकेंड राउंड पिक। ऑल दिस फॉर एन एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कायरी। वेल कायरी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है, और वो शायद लेकर्स में जाना चाहते हैं। क्या पता वो नहीं साइन करें। सिर्फ 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना सब कुछ देना, या मैप्स ने यहाँ समझदारी की है या बेवकूफ़ी। अगर आप डैलस के फैंस हैं तो इस समय आपकी टीम बहुत अच्छी है, पर इसके बाद क्या? अगर कायरी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, यू जस्ट गेव अप योर इंटायर डिफेंस फॉर कायरी। वेल क्या इस पर ऑफेंस मैचेस जिताएगा रादर देन डिफेंस? जेसन किड है उस टीम में, इज अ टैक्टिशियन, तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सन्स की टीम से नेट्स को जे क्राउडर भी मिले थे, और उन्होंने 5 सेकेंड राउंड पिक्स के लिए इसको बक्स को ट्रेड कर दिया। बक्स ने शायद इस चीज़ को जीत लिया। इसके बाद करते हैं लेकर्स की टीम की। सबसे पहले कूडोस टू द लेकर्स टीम, लाइक गुड जॉब। इन्हें सबसे पहले रुई हाचीमुरा को लिया था। सब क्वेश्चन कर रहे थे, इज ही द आंसर, इज ही द विंग शूटर दे वांटेड, और शायद नहीं था, बट ही इज अ यंग टैलेंट एंड एवरीवन न्यू इट। लेब्रॉन के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ही बस और कोच हैम के बीच में कुछ आनाकानी हो गई, तो इतना तो पक्का था वी आर सीइंग अ ट्रेड सून। और लेकर्स ने जैसे ही वेस्टब्रुक ट्रेड पुल किया, एवरीवन वाज एक्साइटेड टू वॉच इट। लेकर्स को मिले हैं डियांजेलो रसेल, मलिक बीजली, द शूटर दे वर लुकिंग फॉर, और जैरेड वैंडरबिल्ट। वहीं जैज की टीम को मिले रसेल वेस्टब्रुक और फर्स्ट राउंड पिक। मिनेसोटा ने ये क्या सोच के ट्रेड किया, बिकॉज दे आर क्लियर लूजर्स इन दिस ट्रेड। वेल रूडी ट्रेड के बाद अगर वो ऐसा बेवकूफ़ी भरा मूव चलते हैं बुल्स की टीम से, हम शायद और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे। वेल लेकर्स की टीम की हम तारीफ कर रहे थे, पर उसके बाद एक थॉमस ब्रायंट का ट्रेड हुआ, और फिर शायद मेरे व्यूज़ थोड़े बदले। थॉमस ब्रायंट जब एंथनी डेविस नहीं थे बहुत अच्छा खेल लेते, पर जैसे ही एंथनी डेविस वापस आए उनको अपना रोल कुछ डिमनेस सा लगा, तो उन्होंने कहा कि ही वॉन्ट्स टू बी इन अ टीम जहाँ पे उनका रोल ज़्यादा अच्छा हो। तो लेकर्स की टीम ने उनको नगेट्स में ट्रेड कर दिया और डेवॉन रीड एंड 3 सेकंड राउंड पे। शायद इसमें कहने की जरूरत भी नहीं कि डेनवर की टीम ने इस ट्रेड को जीत लिया। लेकर्स की टीम ने मो बाम्बा को लिया मैजिक की टीम से, और बदले में दिए पैट बेव और 2 सेकंड राउंड पिक्स। और इसमें फनी बात यह है कि पैट बेव ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया था कि शैम्स और वोज के बीच में एक होड़ सी जो चलती है न्यूज़ देने में, उसमें वोज आराम से जीत रहे हैं। और तैसी शैम्स ने ट्वीट किया दैट ही इज ट्रेडेड। लैम्पो, लाइक इमेजिन, दिस इज हिलेरियस। इसके अलावा हम लोग को सुनने में आया था कि डेनवर टीम बोन्स को ट्रेड कर देगी फॉर अ सिंगल फर्स्ट राउंड पिक, पर दे वांटेड टू ट्रेड हिम, तो उन्होंने उसको ट्रेड कर दिया क्लिपर्स की टीम में फॉर 24 एंड 25 सेकेंड राउंड पिक्स। अब शायद यहाँ पे क्लिपर्स की टीम ने इस ट्रेड को आराम से जीता है। और नगेट्स की टीम ने क्या सोच के ट्रेड किया? वेल दे कुड हैव गॉट मोर। वहीं बात करें क्लिपर्स की टीम की, तो उन्होंने रेजी जैक्सन को ट्रेड कर दिया हॉर्नेट्स में फॉर प्लमली, और आराम से कह सकते हैं कि हॉर्नेट्स वन दिस बिग वन। इसके अलावा एक और 3-way डील हुई थी क्लिपर्स, रॉकेट्स और ग्रिस के बीच में, जहाँ पे क्लिपर्स को मिले एरिक गॉर्डन और 3 सेकेंड राउंड पिक्स। ग्रिस की टीम से रॉकेट्स में आए डैनी ग्रीन, और क्लिपर्स की टीम से आए जॉन वॉल। वहीं ग्रिजलीज को मिले ल्यूक केनर्ड, और शायद ये वाला ग्रिजलीज ने जीता। इसके अलावा रॉकेट ने एक और ट्रेड पोल किया जिसमें रॉकेट्स को मिले जस्टिन हॉलीडे फ्रैंक, वहीं हॉक्स को मिले ब्रूनो फर्नांडो और गैरिसन मैथ्यूज। दैट्स अ बिग बिग विन फॉर रॉकेट्स। पता नहीं हॉक्स ने क्या सोच के ट्रेड किया। अब बात करते हैं इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट टीम में से एक, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की। तो इन्होंने फाइनली जेम्स वाइजमैन, फॉर्मर पिक नंबर 2 को ट्रेड कर दिया। वॉरियर्स ने इनको ट्रेड किया फॉर केविन नॉक्स एंड 5 सेकेंड राउंड पिक्स, एंड दैट्स अ बैड डील। पिस्टन्स को मिले जेम्स वाइजमैन और हॉक्स को मिले सडीक बे। पर आपको लग रहा होगा ये ट्रेड वॉरियर्स बिग टाइम आ रही, पर उन्होंने 5 सेकेंड राउंड पिक्स केविन नॉक्स को ट्रेड किया फॉर गैरी पेटन 2, एंड दैट इज अ विन फॉर वॉरियर्स। जब हम लोग बात पोर्टलैंड की टीम की कर ही रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। वी थॉट देयर विल बी सम डिफरेंस इन द सेकंड हाफ, बट नहीं, उन्होंने जॉश हार्ट को ट्रेड कर दिया निक्स की टीम में और कैम रेडिश इन अ फर्स्ट राउंड पिक।
और सरे स्ट्रेट को दे क्लियरली लॉस्ट। एक और थ्री वे डील हुई जिसमें 76ers की टीम क्लियरली जीती है। उनको मिले हैं जेनलन मैकडैनियल्स, पोर्टलैंड को मिले मटीस टाइबुल और हॉर्नेट्स को मल्टीपल सेकेंड राउंड पिक्स। हॉर्नेट्स व्हाट आर यू थिंकिंग? और स्पर्स की टीम की बात करें तो उन्होंने अभी जैकब पोर्टल को ट्रेड कर दिया है टू द रैप्टर्स टीम फॉर ब्रिज, 24th प्रोटेक्टेड एंड 2 फर्स्ट राउंड पिक्स। वहीं एक और ट्रेड हुआ जहां पे उनको मिले डेवोंटे ग्राहम, 4 सेकंड राउंड पिक्स और जॉश रिचर्डसन। हीट और रैप्टर्स की टीम के साइड कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं दिखा। वी ऑल थॉट दैट रैप्टर्स टीम इज गोइंग टू ट्रेड फॉर वैन फ्लीट ओजी, बट नाउ वेल एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आई एम एक्साइटेड टू सी द सन्स टीम। फॉलो आवर इंस्टाग्राम फॉर मीम्स एंड मोर। Join our Telegram community to catch up people like you.